नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजस 24 न्यूज और मैं हूँ आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। कन्नौज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सपा पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि सबके साथ से सरकार बनाने वाले सैफई परिवार का विकास कराते हैं। भाजपा को वोट देने की अपील करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनने पर एक हाथ में विकास की छड़ी होगी और दूसरे हाथ में माफियाओं पर चलने वाला बुलडोजर का लीवर होगा। कन्नौज के सदर विधानसभा क्षेत्र के बोर्डिंग ग्राउंड पर मुख्यमंत्री योगी का उड़न खटोला 45 मिनट देरी से पहुंचा। योगी के मंच पर पहुंचते ही जनसभा में जय श्री राम का नारा गूंज उठा। कन्नौज में सांसद सुब्रत पाठक का संबोधन खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री ने भारत माता की जय के साथ अपना संबोधन शुरू किया। सपा बसपा कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई संगठन नहीं है जिसे सत्ता न मिली हो, लेकिन प्रदेश विकास का कभी नहीं हुआ। भारत में कोरोना प्रबंध जितना अच्छा मोदी के नेतृत्व में चला वह अभूतपूर्व है। समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग अब आपके पास आ रहे थे ये कोरोना काल में गायब थे। जब हमने मुफ्त में वैक्सीन लगाना शुरू किया तो इन्हीं लोगों ने विरोध किया। हमें वैक्सीन से रोकने वाले कभी हमारे हितचिंतक नहीं हो सकते। मुफ्त अनाज बांटने का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बीमारी से जितनी मौतें होती हैं उससे कहीं ज्यादा भूख से होती थी, इसलिए हमने कोरोना वैक्सीन के साथ मुफ्त खाना दिया। कन्नौज की ऐतिहासिकता का जिक्र करते हुए बाबा गौरी शंकर व माँ फूलमती देवू को नमन किया। कन्नौज में दी के पारंपरिक इत्र को समाजवादी इत्र के नाम पर कलंकित करने वाला बताया। उन्होंने कहा कि सम्राट हर्षवर्धन के जमाने में कन्नौज के इत्र निर्माताओं ने इसकी पहचान पूरी दुनिया में कराई थी, लेकिन समाजवाद के इत्र की बदबू ने इसे पूरी दुनिया में बदनाम किया। पहले की सरकार का सारा पैसा इत्र वाले मित्र के घर जाता था, ये 2.5 करोड़ किसानों के घर में जाता था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साल 2012 में सपा सरकार बनने के बाद वापस लिए मुकदमे पर भी कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि 2012 में जब ये आए तो आतंकवादियों से मुकदमे वापस लिए। प्रदेश में नौकरी निकलती थी तो चाचा भतीजा की लिस्ट वालों को मिलती थी। आलू किसानों पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि आलू के लिए फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगेगा और आलू का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाएगा। सपा पर हमलावर होते हुए सीएम ने कहा कि समाजवादी सरकार के नाम पर परिवारवाद को बढ़ावा देती थी। हमारे लिए सबका साथ सबका विकास ध्येय है, लेकिन समाजवादियों के लिए सबका साथ और सैफई परिवार का विकास ही एकमात्र ध्येय है। अपनी सरकार का बखान करते हुए उन्होंने कहा कि 5 साल पहले गुंडों का राज था, अब कानून का राज है। कन्नौज से जिला ब्यूरो चीफ शिवू सैनी की रिपोर्ट। सबको आपके उत्साह के लिए आपका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, दो चरणों का मतदान संपन्न हुआ है और मैं सही बताऊं कि मेरी पहले दिन से इच्छा थी कि मैं यहाँ के कार्यक्रम में, कन्नौज के कार्यक्रम में आपके साथ सहभागी बनूं। चुनाव के पहले भी 2 बार मेरे कार्यक्रम बने थे, लेकिन श्री सुब्रत पाठक जी को अन्यत्री कार्यक्रम में व्यस्त रहना था तो मैंने भी कार्यक्रम स्थगित किया था। लेकिन 2 चरणों के मतदान में व्यस्तता के बाद जैसे मुझे समय मिला आज मैं आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुआ हूं और आपने जो उत्साह दिखाया है आपके इस उत्साह के लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं। लेकिन भाइयों बहनों, मतदान के दिन तक इस उत्साह को कम नहीं होने देना है। भारतीय जनता पार्टी भाइयों बहनों, बिना भेदभाव के प्रधानमंत्री मोदी जी के सबका साथ सबके विकास के मंत्र को अंगीकार करते हुए, बिना भेदभाव के गांव के विकास के लिए, किसानों की खुशहाली के लिए, गरीबों के उत्थान के लिए, नौजवान के रोजगार के लिए, बेटी और बहनों की सुरक्षा के लिए और शासन की योजनाओं को बिना भेदभाव के समाज के प्रत्येक तबके के तक पहुंचाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ कार्य कर रही है। भाइयों बहनों, सरकार के मंशा उसकी नीतियों में और उसकी नियत में बहुत स्पष्ट हो जाती है।
उत्तर प्रदेश में आज के दिन पर कोई ऐसा दल नहीं जिसे आपने परखा न हो, जिसे उत्तर प्रदेश के अंदर शासन करने का अवसर न मिला हो। अब कोई ये भी नहीं कह सकता कि मौका नहीं मिला। आज तो हम कह सकते हैं जब मौका मिला था तब उन्होंने क्या किया था। फर्क साफ है भाइयों बहनों, बहुत दूर जाने की आवश्यकता नहीं। ऐसी खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए तेजस 24 न्यूज।